नेपाल आए तो कैपिटल सिटी आना तो बनता था। वेलकम टू काठमांडू, ये एविएशन एक्सप्रेस है और म्यूजियम है ये एक, और असली एरोप्लेन देखिए पीछे। और बस अभी कुछ दूरी पर मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के अंदर आने वाला है मेरा पहला डेस्टिनेशन यहाँ का, जो होने वाला है पशुपतिनाथ टेम्पल। चलिए महादेव के दर्शन लेते हैं। वेलकम टू पशुपतिनाथ टेम्पल। यहाँ मंदिर की जो बनावट है ये थोड़ी अलग है। चलिए देखिए सूर्य भी है, काफी कुछ फिर जाना ही सो रहे हैं हमें। लीजिए बंदरों के दर्शन। श्री पशुपतिनाथ गौशाला और धर्मशाला, मारवाड़ी सेवाग्राम। थोड़ा बिजनेस बना के रखा है इन लोगों ने, जो हमारे इंडिया में जो रेट्स हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। और फिर उसके बाद भी कहते हैं कि धर्म कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा धर्म कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, धर्म कर रहे हो तो ढंग से धर्म करो, बिजनेस नहीं करने का। 600 रुपीज़ एक रूम का, हॉल का 1500 रुपीज़, क्या मतलब है यार। इसको वो डिस्काउंटेड रेट बोलते हैं लोग। इससे कम में यूजुअली मिल जाता है अपने इंडिया में, और नेपाल जो कि इंडिया से पीछे है तो भी ऐसा कर रहे हैं लोग। धंधा है ना, फिर कौन सा धर्म है। और धर्मशाला का क्या मतलब है आप गूगल करिए, यदि ना पता हो। अगर पता हो तो फिर क्या ही बताना। सनराइज काठमांडू, ये है धर्मशाला और इस ओर है पशुपतिनाथ मंदिर। कल बंद था, आज मंडे है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। 25 जनवरी है आज। चलिए चलते हैं, देखते हैं और दर्शन करते हैं पशुपतिनाथ महाराज यानी कि महादेव का। वॉच आउट, ओह गॉड, इतने सारे, बाप रे बाप, मोबाइल नचिक ले मेरा। देखो कुछ और बंदर देख लो, टिकटॉक ही बंदर। ये है पशुपतिनाथ मंदिर के सामने कबूतर खाना। वाह यार, ये तो बहुत गजब है। बहुत ज़्यादा गजब, ओ गॉड, ऐसा कबूतर खाना नहीं देखा मैंने कभी। दादर वाला भी है अपना मुंबई का, पर ये कुछ ज़्यादा ही गजब है। भगा रहे हैं सबको यार।
देखिए मेन एंट्रेंस है, देख लो बस यहीं से, मुझे नहीं लगता वहां से रिकॉर्ड करने मिलेगा कुछ। नहीं दिख रहा है, इसीलिए यहीं से ले लेना जितना दिख रहा है। ओह माय गॉडनेस, ये देखिए नंदी बहन। इसको छुआ दीजिए ना, छुआ के दे दीजिए। बहुत बहुत क्यों ऑन किया? सॉरी क्यों ऑन किया? बहुत टाइट सिक्योरिटी है, गॉड सही है। सिक्योरिटी भागो जी। पशुपतिनाथ मंदिर देखिए से, यही है मेन, पीछे आप देख रहे हैं नंदी बैल और पीछे मंदिर, झलक झलक भर मिल पाई बस और फटाफट आगे बढ़ा दिया गया। अक्सर मंदिरों में ऐसा ही होता है। वैष्णो देवी में गया था बाबा, इतना चढ़ चढ़ गया और वहाँ भी ऐसे हुआ था, यहाँ भी खैर एक्सपीरियंस है, ऐसा ही होता है। आप पीछे देखिए, आप यहाँ सब लोग वहीं दूर से आरती कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। जगह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल। देखिए अनगिनत हवन कुंड के ऊपर, वाह मैं मदद कर दूँ आपकी, दिखाने वाला आपको मैं। Look at that! ये पशुपतिनाथ मंदिर के सामने जो कबूतर खाना है, ये वो जगह है, देखो। Oh goodness! Wow! ये मंदिर देखो बिल्कुल पीछे उस ओर है, क्या है ये शिवलिंग के अंदर एक और शिवलिंग वहाँ भी है, गजब है ये परिसर। बिल्कुल वो रहा मंदिर, ये यहाँ से ढका है इस बिल्डिंग से, पीछे की ओर है।